नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो फैंस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कैनन के G2000 सीरीज के एक प्रिंटर जो कि ऑल इन वन है और ये काफी पॉपुलर मॉडल है, 10,000 के अंदर ही मिल जाता है। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो इसमें आपको कुछ पेपर वर्क्स मिलते हैं, एक ड्राइवर सीडी मिलती है, एक पावर केबल, एक यूएसबी केबल, दो कार्ट्रिज, एक कलर, एक ब्लैक एंड वाइट, एक सेट पूरे इंक बॉटल्स। प्रिंटर के लुक्स को देखें तो ये काफ़ी प्रीमियम और ऑफिशियल लगता है। इसमें आपको पावर बटन्स मिलते हैं, इमरजेंसी स्टॉप बटन मिलते हैं और जेरोक्स के लिए दो कीस। प्रिंटर को सेफ रखने के लिए बहुत सारे टेप्स यूज़ किए गए हैं, सो सबसे पहले टेप्स को रिमूव किया जाए। हमारे प्रिंटर को यूज़ करने के लिए हमें इसमें सबसे पहले कार्ट्रिज को इंसर्ट करना होगा। हमें यहाँ दो कार्ट्रिजेस मिलते हैं, एक ब्लैक और एक कलर, और आप इसे अनरैप करके इजीली यहाँ पे बस रख देने का। ध्यान रहे कि जहाँ जहाँ टेप लगा हुआ है वो सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए उसे अपने हाथ से ना छुए। इसी तरह से हम सारे इंक्स को फिल कर लेंगे। ध्यान रहे कि जब भी आपका इंक खत्म हो तो हमेशा ओरिजिनल इंक ही यूज़ किया करें, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट यूज़ करते हैं तो आपके वारंटी को भी वो ख़त्म कर देती है और प्रिंटर बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसलिए हमेशा ओरिजिनल इंक ही यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से ब्लैक इंक को भी हमें फिल कर लेना है। अगर आपको ऐसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें एक गेटिंग स्टार्टेड करके एक गाइड दिया गया है,
उसे भी आप देख के इजीली सारे प्रोसेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमें इसे पावर कनेक्शन देने का है, तो हम इसे पावर कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक यूएसबी केबल दिया गया है जिसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसे कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके दूसरे सिरे को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेंगे। इसमें हमें एक सीडी मिलता है जिसे हम इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। सीडी को जैसे ही कंप्यूटर में डालते हैं, इसके ड्राइवर को कुछ इस तरह से हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कुछ 5-7 मिनट लेगी आपके। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमें अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करने को कहेगी, सो हम अपने यूएसबी को केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद अपने प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं। जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 बार ब्लिंक करने हुए दिखनी चाहिए। पावर जो एलईडी दिया गया है वो दो बार ब्लिंक कर रही है, जैसे ऑन हुई 2 बार ब्लिंक की। उसके बाद हमें अपने स्टॉप बटन को प्रेस किए हुए रखना है तब तक जब तक कि पावर बटन एक बार रुक के फिर से जलना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही वो फिर से ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है हमें उसे छोड़ देना है और वेट करना है तब तक जब तक कि प्रिंटर खुद से रेडी ना हो जाए। प्रिंटर 10-12 मिनट लेगी, उसके बाद रेडी हो जाएगी कंप्लीट। जब प्रिंटर रेडी हो जाएगी तो कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं करेगी। 10,000 के अंदर ये बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं, अमेजोन पे भी मिल जाती है। ऑफलाइन लेंगे तो आपको 10,000 तक मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट आउट्स निकाले हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी की पिक्चर आई हुई है, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रिंटर है। बहुत ही कम कॉस्ट में प्रिंट आउट देती है। इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। अगर आप इस पर डेप्थ में अगर इसके फंक्शंस को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख के बताइए, मैं इसके सारे प्रोसेस बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और पसंद आ रही है। धन्यवाद।